नगर परिषद बागली में मंगलवार के दिन गांधी चौक पर नगर परिषद का शपथ समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, बागली विधायक पार सिंह कन्नौजे और हाट टिपले विधायक मनोज चौधरी की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सार्वजनिक रूप से नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती सीमा यादव और उपाध्यक्ष श्रीमती आरती शिहोरे और सभी नवनिर्वाचित पार्षद गणों को उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव द्वारा शपथ दिलाई गई। इसी दौरान नगर परिषद की ओर से सभी अतिथियों को हनुमान जी का चित्र भेंटकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री श्री यादव और विधायक कन्नौजी की उपस्थिति में नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती सीमा यादव द्वारा हस्ताक्षर कर नगर परिषद का कार्यभार संभाला गया और इस दौरान संगठन के कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। बागली से पाटीदार की रिपोर्ट है। आज मैं बागली में शपथ समारोह में हमारे नवनिर्वाचित पार्षद अध्यक्ष सभी की शपथ कराई है और एक बात बिल्कुल सही है कि ये ऐतिहासिक नगरी है देवास ज़िला और बागली। ये एक तरह से मैं मान के चलता हूँ कि ये दोनों ऐतिहासिक स्थान है और ख़ास करके वनांचल की दृष्टि से ये तो बहुत सौभाग्यशाली स्थान है, जहाँ चारों तरफ मूल रूप से एक तरह से हमारा उज्जैन संभाग में कई जंगल और जंगल में जानवर प्रकृति के साथ रहने का जीवन अगर आँखों से देखना है, नैसर्गिक सौंदर्य देखना, प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेना है और सच्चे अर्थों में मानवता के लिए ये हमारे अपने सारे रहवासियों का जो सुख है, मैं सबके प्रति शुभकामना भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ इनने अपने निर्मल मन से निर्वाचन में भाग लेकर के जो नई बाड़ी बनाई है, ये नए तरीके से संकल्प लेकर के विकास के आयाम के नए नए मील के पत्थर खड़ी करेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। मैं चूँकि स्वयं उच्च शिक्षा विभाग का मंत्री हूँ, उस नाते से मुझे रिमांड दी है, उन्होंने कहा कि हमारी कॉलेज की बाउंड्री वॉल बनना चाहिए 1 करोड़ की लागत से। हमने कहा 1 करोड़ नहीं, जो लगेगा वो पूरा पैसा देंगे, आपका काम कराएंगे। साथ ही साथ जो नए कोर्स की बात आई है वो सभी कोर्स। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।